अभी तो हमने 3000 करोड़ रुपया दिए। अगली बार जब आकर आऊंगा, 1-1.5 महीने के बाद जब भी हो, तब 4000 करोड़ रुपया और खरीफ के फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डालूंगा। वो कहते थे पैसा नहीं अपना तैयार है, मैं नाम जी तो बता हम कहा से पैसे लाते हैं। जब दिल में तरफ होती तब गरीबों के लिए पैसे आते, तब किसानों के लिए पैसे आते। मेरे बहनों और भाइयों, आज के विकास को, सुप्रह के विकास को न तब पीछे रहने दिया है और न अब पीछे रहने दूंगा। दोस्तों, शिवराज सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि दोस्तों अतिवृष्टि के कारण जिन किसान भाइयों की फसल में नुकसान हुआ था, तो उन सभी किसान भाइयों को इसका जो बीमा क्लेम है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपचुनाव से पहले इन किसान भाइयों को जो शिवराज सरकार ने 4000 करोड़ रुपये का जो फैसला लिया, जो अनुदान बांटने के लिए बताया कि जिन किसान भाइयों की प्रकृति आपदाओं के कारण फसल में नुकसान हुआ था, तो उन सभी किसान भाइयों को अब इसका अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा ऐलान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों सभी किसान भाइयों के, क्योंकि दोस्तों सभी किसान भाई इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय से कि उनका जो पैसा है बीमा क्लेम का, वो कब उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सितंबर से पहले जो उपचुनाव है दोस्तों, वो सितंबर में होने वाले हैं। तो सितंबर से पहले सभी किसान भाइयों को 4000 करोड़ रुपए का जो फैसला लिया, एक बड़ा फैसला लिया है शिवराज सरकार ने, तो ये सितंबर से पहले सभी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 4000 करोड़ रुपए भेज दिए जाएंगे।